क्या आप जानते हैं कि प्रकृति से कितना कुछ सीखा जा सकता है? फिर इसका जवाब है बहुत कुछ। मुझे नहीं पता आपने देखे या नहीं देखे, लेकिन हमने एक बार बांस पर वीडियो बनाया था और एक बार हमने लायन पर वीडियो बनाया था, और हमने बात की थी कि बांस से कितना कुछ सीखा जा सकता है और लायन से भी कितना कुछ सीखा जा सकता है। खैर, बांस पंछियों का राजा है तो शेर जंगल का राजा है, और ये दोनों ही विशाल प्राणी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से प्राणी, छोटी सी चींटी के बारे में, कि छोटी सी चींटी से कितना कुछ सीखा जा सकता है, और जो लेसन्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें अप्लाई करने के बाद में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको यकीन हो जाएगा। पहला लेसन, इग्नोर डिस्ट्रैक्शन, या फिर ये कहें कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ की है, लेकिन मैंने तो बचपन में बहुत की है, और आई होप कि आप सबने भी की होगी। कि जब कोई चींटी चल रही होती है तो हम उसके सामने हमारी उंगली रख देते हैं, तो जब हम हमारी उंगली रखते हैं तो वो चींटी क्या करती है, वो रुकती है और साइड में से निकल जाती है, और जब वो आगे निकल जाती है तो फिर से हम उसके सामने अपनी उंगली रखते हैं, वो फिर से रुकती है और फिर से साइड से निकल जाती है। अगर वो कहीं जा रही है तो आप उसके सामने कितनी ही बार अपना हाथ, अपनी फिंगर अड़ा दो, वो उस पर चढ़ेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं, चाहे कितनी भी बार आप ये चीज़ करके देख लेना। और इससे हमें बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आप अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने रास्ते पर चल रहे हो तो रास्ते में कैसे भी डिस्ट्रैक्शन आए, उन डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान मत दो, रुको और साइड से निकल जाओ। या फिर अगर आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो उस बीच अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो या फिर इग्नोर करके अपनी राह पर चल दो। सेकेंड लेसन, एंट्स आर ग्रेट प्लानर। चींटियाँ गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, जितना खाना उन्हें चाहिए होता है उससे कई गुना ज़्यादा खाना वो स्टोर करके रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बारिश होगी, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, उस वक्त तो खाना स्टोर नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो पहले से ही अपने लिए खाना स्टोर करके रखती है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि आपदा आने ही आने वाली है, तो किसी भी हालत में हमारे पास में खाना पानी होना ज़रूरी है। चींटियों में तक ये खूबी है, लेकिन इंसानों में ये खूबी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको अगले दिन की तक खबर नहीं होती है, अगले हफ्ते, अगले महीने तो दूर की बात, उन्हें अगले दिन तक की खबर नहीं होती कि अगले दिन क्या करना है। तो जिस तरह चींटियां अपने लिए खाना जमा करके रखती, आप भी अपने लिए कुछ जमा करके रखो। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है CoinDCX। विद ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, CoinDCX इंडिया का सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग को इजी बना देता है नए और एक्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, और CoinDCX ये क्लेरिफाई करता है कि क्रिप्टो मार्केट इज नॉट अ वन टाइम मनी मेकिंग प्लान। सो CoinDCX एडवाइज यू टू डू योर ओन रिसर्च ऑन क्रिप्टो, और इसलिए ये एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं DCX लर्नर के नाम से, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और बहुत से क्रिप्टो से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में लर्न कर सकते हैं। विद देयर 7M मॉडल CoinDCX हेल्प करता है इन इंप्रूविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मेंटर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स, एंड रिड्यूस रिस्क एसोसिएट विद क्रिप्टोकरेंसी। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन अप करें, अपनी KYC को कंप्लीट करें और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करें, एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो जर्नी मिनिमम 100 रुपए के डिपॉजिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, और सिर्फ 10 रुपए में आप क्रिप्टो खरीद सकते हो। यूजर्स फंड CoinDCX पर कंप्लीटली सेफ एंड इंश्योर्ड है। CoinDCX इज ISO सर्टिफाइड ऐप एंड ऑफर्स एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट 24/7, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और CoinDCX में मल्टीपल इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर है, जैसे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विड्रॉल पासवर्ड एटसेट्रा, और यहाँ पर आप 24/7 अपने फंड्स इंस्टेंट विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर सकते हो। सो डाउनलोड CoinDCX नाउ एंड गेट योर सैंपल बिटकॉइन वर्थ 100 रुपीज बाय यूजिंग माय कोड Deepak100। इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, क्योंकि फ्यूचर यही है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेसन की, कि किस तरह चींटियां हमें अपने हालातों में ढलना सिखाती है। आप चींटियों को हर जगह पाओगे, अपने घर में, घर के बाहर, घर की छत पर, खाने में, पेड़ों के अंदर, जंगलों में, हर जगह आप चींटियों को पाओगे। उनका कभी ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुश्किलें हैं। मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों के अकॉर्डिंग ही खुद को वो ढाल लेती है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं मिली है, तो अभी जो आपके पास में है उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढालना सीख लो। या फिर आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए आपको ये लग रहा है कि मेरे पास में ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ये देखना है कि आपके पास में क्या है और आपके हालात कैसे हैं, उन्हीं हालातों में आपको ढालना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेसन नंबर 4, एंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। आपने एक बात नोटिस की होगी कि चींटियाँ जो होती है वो अपने से भी ज़्यादा वजन उठा करके चलती हैं। इंसानों की अगर हम बात करें तो एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजन का 1.5 गुना उठा सकता है, लेकिन एक चींटी अपने वजन का ज़्यादा से ज़्यादा 50 गुना तक उठा सकती है। अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा दाना देख कर चींटियाँ चाहे तो वो ना कह सकती है, लेकिन वो ना नहीं कहती, वो अपने वजन का 20 गुना, 30 गुना, कई कई बार तो 50 गुना भी उठा लेती है, और कई बार तो वजन इससे भी ज़्यादा होता है। भले वो उठा नहीं सकती, लेकिन वो कोशिश जरूर करती है। आपने कई बार देखा होगा कि इतना बड़ा दाना होता है जो कि चींटी नहीं उठा सकती, वो उठा भी नहीं पाती, लेकिन वो कोशिश करती रहती है और हार नहीं मानती। चलो हम ये मान लेते हैं कि चींटियों को ये नेचुरली मिला है कि अपने वजन का वो 20 गुना तक उठा सकती है, 50 गुना तक उठा सकती है। हमें इंसानों में ये नेचुरल पावर नहीं होती,
लेकिन जो हार्डवर्क है वो हमारे हाथ में होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना हार्डवर्क कर पाते हैं। हिम्मत जो होती है वो हमारे हाथ में होती है कि कितनी हिम्मत हम दिखा सकते हैं। अगर आप चींटियों को कभी भी देखोगे तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है, इधर भागना उधर भागना, दीवारों पर चढ़ना, दाना लेकर चलना, कभी भी आपको वो ऐसे ही फ्री बैठी हुई कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका हार्डवर्क का जो लेवल है कोई उनको बीट नहीं कर सकता। ये तो हमने बात की फोर्थ लेसन की, अब हम बात करते हैं फिफ्थ लेसन की, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग। शेयर करने की स्पिरिट जो चींटियों में होती है ना वो शायद ही किसी में होती होगी, वो चाहे नॉलेज हो या फिर खाना हो, चींटियां दिल खोल करके शेयर करती है। आपको कभी भी कोई भी एक चींटी अकेली खाते हुए कभी नहीं मिलेगी। और अगर नॉलेज शेयरिंग की बात करें तो चींटियां एक केमिकल छोड़ती है जिससे कि उसकी पीछे वाली जितनी भी चींटियां हैं उस केमिकल को सूंघ करके आगे बढ़ सके। अगर वो चींटियां वो केमिकल ना छोड़े तो सारी चींटियां तितर बितर हो जाएगी। लेकिन नहीं, सारी चींटियां चाहती कि सारी चींटियां सक्सेस की राह पर चले और खाने तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ लेसन की, अमेजिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सक्सेस के लिए, ये मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये डिसिप्लिन चींटियों में भरपूर होता है। जब भी चींटियां एक लाइन में चल रही होती है तो कभी भी डगमगाती नहीं, कोई भी चींटी लाइन से बाहर नहीं निकलती है, चाहे उन्होंने कितना ही वजन क्यों ना उठा रखा हो, रास्ता चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, किसी अगर पेड़ पर चढ़ रही हो तो पेड़ चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, वो कभी भी लाइन से बाहर नहीं निकलती, चाहे उनके ऊपर कितना भी वजन क्यों ना हो। आप कभी भी देखोगे कि कोई भी ऐसी चींटी नहीं होती जो कि लाइन से बाहर निकल करके अलग चली जाए, कभी ऐसा नहीं होता। और इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन, जो कि चींटियों से हर इंसान को सीखना चाहिए। लेसन नंबर 7, एंड्स हैव इनक्रेडिबल स्पीड। लाल चींटियों की बात यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन काली चींटियाँ जो होती है छोटी छोटी, उनकी जो स्पीड होती है कमाल की होती है। वो होती भले छोटी है लेकिन कभी भी अपनी गति को कम नहीं आंकती। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो कि सुस्ते में पड़े रहते हैं और जिन्हें काम में मन नहीं लगता है, फिर जो धीरे धीरे काम करते रहते हैं। चींटियाँ जो कुछ भी करती है कभी भी खुद के लिए नहीं करती, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि उनमें शेयरिंग की जो स्पिरिट होती है कमाल की होती है, इसी तरह से वो कभी भी खुद के लिए नहीं करती, वो जो कुछ भी करती है सारी चींटियों के लिए करती है। और सारी चींटियां जो होती है वो मिल करके सारी चींटियों के लिए काम करती है। आपने ये बात भी कई बार नोटिस की होगी कि अगर एक चींटी से कोई एक बड़ा कीड़ा नहीं उठ रहा है तो कई सारी चींटियां मिल करके उस बड़े कीड़े को उठाती है। ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कॉमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।